हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन लेके आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ना वो स्पेशल है, बिकॉज ये वीडियो या ऐसी कोई भी वीडियो मैंने पहले नहीं क्रिएट की है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अमेजन से कुछ ऑफिस वेयर के क्लोदिंग आइटम्स जो मैंने अमेजन से लिए हैं। येस ऑफकोर्स, और मैंने मेगा फैशन सेल के दौरान लिए हैं, तो मुझे काफ़ी सारे कैशबैक भी मिले थे एंड काफ़ी किफ़ायती रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स मिली है। एंड मैं जितनी भी आपको चीज़ें दिखाने वाली हूँ ना वो बहुत बहुत बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं और आप कुछ कॉर्पोरेट टाइप की ड्रेसेस या फिर कुछ अच्छी सी ट्रेंडिंग सी ड्रेसेस देख रहे हैं या फिर क्लोथिंग आइटम्स देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं मैंने कौन कौन से क्लोथिंग आइटम्स को रखा है ऑफिस वेयर के लिए। एंड साथ साथ आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है, अगर ये जो मैं आपको क्लोथिंग आइटम्स दिखाने वाली ये पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ें पसंद आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी इनमें से अगर आप कोई भी खरीदना चाहते हैं तो उनके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस शर्ट के बारे में जो मैंने पहन रखी है। दिस इज़ अ ब्लैक कलर की शर्ट और ये ना कॉटन नहीं है, बट इसका कपड़ा बड़ा फ्लोई सा है। आई डोंट नो ये कौन सा मटेरियल है, बट बहुत ही फ्लोई है। इसको ना प्रेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा सही है और सुखाने की भी झंझट नहीं, दो मिनट में सूख जाएगा चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ज़्यादा ट्रांजी नहीं है, बहुत हल्का कपड़ा है, ऑल्दो फिर भी ट्रांजी नहीं है। फिर भी अंदर इसके साइड कुछ इनर्स वगैरह अच्छे पहने जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी छलकने का डर हो तो वो ना। फिलहाल इसको मैंने पेयर किया है ग्रे कलर की पैंट के साथ जो आप देख रहे हैं बगल में। ये ग्रे कलर की पैंट्स भी मैंने ली हैं अमेज़न से, और एक्चुअली पिक्चर में जो था ना वो एक बहुत ही प्यारा सा क्रॉप टॉप था और ये पैंट का सेट था, बट जब रिसीव हुआ तो सिर्फ पैंट थे। फिर मैंने ध्यान से पढ़ा तो उसमें डिस्क्रिप्शन में सिर्फ पैंट्स का डिस्क्रिप्शन लिख रखा था, बट उस वीडियो के मतलब पैंट के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है, रिव्यू सेक्शन होता है, उस रिव्यू सेक्शन में किसी ने वो दोनों सेट पहन रखे थे। तो आई डोंट नो कि वो पूरा का मिलना था सेट या फिर बाद में हटा दिया, क्या है आई डोंट नो, बट द पैंट इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल। बहुत ही अच्छे फॉर्मल पैंट्स हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर्ड वाले लेग वाले पैंट जो है ट्रेंडी हैं। चेक्ड है, ब्लैक और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा है। बेल्ट लगाने के लिए आपको बकल्स दे रखे तो आप इजिली इसे कैरी कर सकते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसे थोड़ा हाई वेस्ट करके पहनोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ये पूरा ओवरऑल लुक जो है बहुत ही पसंद आया है एंड काफ़ी ज़्यादा कूल सा कॉम्बिनेशन है, इसको आप डेली कैरी कर सकते हैं। एंड इस पैंट को तो आप किसी भी न्यूड कलर के टॉप के साथ या फिर किसी भी वाइब्रेंट कलर के टॉप के साथ पेयर कर सकते हैं, सभी के साथ चला जाएगा तो काफ़ी अच्छा है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट क्लोदिंग आइटम जो मैंने ऑफिस वेयर के लिए रखा है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड वाला भी ना एक कॉम्बो था, मतलब पूरा का पूरा आपको सेट मिलने वाला। ये एक पैंट का सेट है और कलर आई थिंक जैसा दिख रहा है वैसा ही है, थोड़ा उससे डार्क ही है। एंड दिस इज़ द क्रॉप टॉप जो इसके साथ आपको मिलता है एंड ये सारे बहुत बजट फ्रेंडली है। सो दिस इज़ द क्रॉप टॉप एंड इसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ द साइड जहाँ पे आपको बटन्स दिख रहे हैं, तो ये वाला साइड ना एक्चुअली मैं बैक साइड में रहने वाला है और ये जो थोड़ा सा डीप आपको नेक दिख रहा है ये आगे की साइड में रहेगा और ये पूरा प्लेन है। नीचे से ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोई सा है, ओपन सा है, काफ़ी ढीला ढाला आएगा। हाथ आपके ऑलमोस्ट 3/4 हैं, मतलब पूरा एल्बो तक आपके आने वाला है एंड सब कुछ बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, पूरा कॉटन का है। पैंट भी इवन कॉटन की है, बहुत ही कंफर्टेबल है, सब कुछ मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। इस टॉप के साथ खास बात यह है कि इसको आप दोनों साइड से पहन सकते हैं, तो मैंने इसको उल्टा करके पहना है, मतलब बटन वाला साइड आगे किया है। स्टिल आप इसको चाहे तो पीछे भी कर सकते हैं, तो आगे अगर बटन वाला आप करते ना तो नेक बहुत ऊँचा जाएगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा नेक पर अनकम्फर्टेबल लगे, फिर भी कुछ टाइम के लिए आप मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे पीछे रखो। बहुत ओपन सा है, बहुत एयरी सा है, तो काफ़ी अच्छा है। आप ट्राई ऑन देखिएगा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पैंट मुझे बहुत पसंद आई। पैंट में आपको ना अलग से कुछ बकल्स नहीं दिए कि आप बेल्ट लगा पाओ, बट फिर भी आजकल ट्रेंड में आप लगा सकते हो। बट इसकी फिटिंग मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छी आई है। यहाँ साइड में आपको ऐसे जिप दिया हुआ है एंड
ये आपको बकल दे देता है कनेक्ट करने के लिए। एंड ये आपको पूरा साइज़ जो है इसका परफेक्ट आया है मुझे फिलहाल। मैं 28 लेती हूँ और 28 के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। हाई वेस्ट है एंड दोनों साइड में पॉकेट्स दी हुई हैं एंड वाइड लेग है, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी ट्रेंडी लगता है। तो ये कॉम्बिनेशन में मुझे बहुत पसंद आया एंड पहनने के बाद आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने बिना मेकअप के पहना है फिर भी ये बहुत पसंद आ रहा है मुझे। एंड अगर आप ऑफिस जाते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा और गर्मियों के लिए काफ़ी कूल कलर है। इस पैड को आप अलग अलग टॉप के साथ कैरी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है टॉप आप बदल बदल के नए नए लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड परचेज। आफ्टर द सेकेंड वन दिस इज आर थर्ड क्लोथिंग आइटम जो कि एक ब्लेजर का सेट है। और इसमें खास बात ये है ना कि ये जो भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ दोनों, ये दोनों ही पूरे कॉटन के, ये नया ऐड हुआ था। इसमें बहुत सारे कलर हैं, ये वाला थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने लिया। बिकॉज अगर आप इस पे देखोगे ना तो आगे की साइड पे जो ये आगे की साइड पे ये कॉलर से आता है हिस्सा, वो पूरा इस पे ना शिमर्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा ग्लिटरी है जो कि गिरता ही रह रहा है फिलहाल तो। और थोड़ा सा इसमें ना मुझे दिक्कत ही हो रही है फिलहाल, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये है पैंट्स, इसके पैंट्स बहुत कंफर्टेबल है, पूरा कॉटन का है। वेस्ट तो मैंने 28 के हिसाब से मंगाया बट मुझे थोड़ा ढीला ही आ रहा है, ऑल्दो पीछे इलास्टिक लगी है। तो अगर मुझसे आप ज़्यादा होंगे तो आप एक साइज कम इसका लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें भी पॉकेट्स दोनों साइड में हैं। ये थोड़ा सा आपको झलझला लग सकता है धूप वगैरह में, थोड़ा सा ट्रांजी हो सकता है बिकॉज कॉटन है। मे बी ये धुलने के बाद थोड़ा गफ हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो इतना प्रॉब्लम ना करे, बट अभी के लिए फिलहाल मैंने इसे धुला नहीं है तो मुझे थोड़ा सा ट्रांजी लग रहा है। ये है इसका पैंट और ये भी पूरा अच्छी लेंथ में मिलता है आपको, काफ़ी फ्लेयर्ड है, काफ़ी एयरी है। ये आपको इसके साथ ब्लेजर मिल जाता है जिसमें आपको ऐसे कॉलर मिलता है एंड साथ साथ कॉलर के साथ जो ये लाइंस आई है ना उस पर आपको इस तरह से डिज़ाइनिंग मिलती है। तो इसका क्या है ना कि ये बार बार पूरा का पूरा सामने आ जाएगा जिसको आपको हाफ में ऐसे बार बार फोल्ड करना पड़ेगा, विच इज़ अनकम्फर्टेबल। एक साइड का तो सेट है, इस साइड का लेफ्ट साइड का सेट है, बट इस वाले का ना ये पूरा खुल जाता है तो ये बार बार मेरे को सेट करना पड़ रहा है। तो मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया है। मैंने इसे पहले इसी सेम कलर के एक क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया था, वो भी वीडियो में इंसर्ट कर दूंगी। तो सारा मोनोक्रोमैटिक लुक हुआ था बट मुझे कुछ खास लग नहीं रहा था, पैक पैक सा लग रहा था। तो अभी मैंने ना कंट्रास्ट के कलर के साथ, तो पैरट ग्रीन जैसा है नियॉन पैरट ग्रीन, तो मैंने इसे पिंक कलर के टॉप के साथ कैरी किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कॉम्बिनेशन। पहनने के बाद ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। इसके जो बाकी कलर्स हैं, इसमें एक लाइट पिंक कलर और एक लाइट ब्लू कलर है, दोनों बहुत अच्छे हैं। और दोनों में खास बात ये है ना कि ये साइड में मतलब सामने ये नहीं दिया हुआ है तो आपको शायद ये अनईजी फील नहीं कराएगा अगर आप वो दो शेड्स लेते हो तो। तो मेरे ख्याल से तो कंफर्टेबल बहुत है, गर्मियों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, कूल कूल सा है और ब्रीदेबल है। सबसे अच्छी बात ये है स्वेटिंग वगैरह अगर आपको होती है तो ये सारी एब्जॉर्ब करेगा। तो आप लेना चाहो तो अंडर 1000 रुपीज़ दिस इज़ अ गुड डील, बट इसके दूसरे कलर्स आप चूज़ करो बिकॉज इस कलर में मुझे थोड़ा सा ये जो कॉलर पे इन्होंने एरिया दिया है वो थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड इसके साथ जो मैंने पिंक कलर का टॉप पहना है ना वो भी मैंने अमेजन से ही लिया था, तो उसकी लिंक मिल गई तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यस, आज की वीडियो में ये थे मेरे तीन क्लोथिंग आइटम्स जो मैंने ऑफिस वेयर को ध्यान में रख के बनाया है। अमेजन में मैंने बहुत सारा कॉर्ड सेट देखा जिनमें से ये तीन मुझे बहुत अच्छे लगे। ये ब्लैक शर्ट काफ़ी अच्छी है, ब्लैक यूनिक होती है, हमेशा एक आपके पास ब्लैक होनी ही चाहिए। आप इसकी जगह पे वाइट शर्ट भी कैरी कर सकते हो एंड ब्लैक के साथ ये जो ग्रे पैंट्स हैं मैंने आपको दिखाई हैं ये भी काफ़ी अच्छी जा रही हैं, जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल हैं, काफ़ी कूल हैं, तो ट्रेंडी हैं, आप इनको ले सकते हो। एंड साथ साथ ये दो जो एक्स्ट्रा सेट मैंने आपको दिखाया वो भी मुझे बहुत पसंद आया। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा पसंद आया और आप कौन सा खरीदने वाले हो। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय।